उत्तराखंड तक पहुंचे हैं। सीएम ने मां नर्मदा की पूजा की, मां नर्मदा को भवन उनके भवन में पहुंचकर पूजा अर्चना, साथ ही साथ उनको नमन किया है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं आज नर्मदा जयंती के, क्योंकि आज मां नर्मदा का पूजन किया जाना बहुत शुभ माना जाता है। नर्मदा जयंती का आयोजन पूरे प्रदेश में आज मनाया जा रहा है। 14 ऐसे जिले जहां पर मां नर्मदा अपनी कृपा दृष्टि रखती हैं, उन तमाम जिलों में आज अलग अलग जगह पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन यहां पर तस्वीरें अमरकंटक की हम आपको दिखा रहे हैं। अमरकंटक मां नर्मदा जहां से कल कल बहती हैं, यहां पर आज मुख्य कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री खुद भी पहुंचे। कार्यक्रम का हिस्सा जब होंगे, जब तस्वीरें इसकी सामने आएंगी, तब हम वो तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले जब नमन कर रहे थे मुख्यमंत्री मां नर्मदा को, उस समय का नजारा। नर्मदा जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई। माँ नर्मदे पूरे प्रदेश और देश पे यही कृपा बरसाए। हम सब जानते हैं कि नर्मदा माता जी तो एक तरह से मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवनदायिनी, नर्मदा जी के कारण से ही ये पूरा क्षेत्र और खास करके मध्य प्रदेश का वर्तमान का विकास का जो ग्राफ बढ़ा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान माँ नर्मदा का है। मालवा तक नर्मदा जी के कारण से आज पुनः हरा भरा हो रहा है। मेरी अपनी ओर से आज अमरकंटक में मैं यहाँ स्नान के और दर्शन के और खास करके दर्शनार्थियों के दर्शन करने आया था, माता जी के दर्शन करने आया। पूजा अभिषेक के बाद आनंद लिया। परमात्मा करे माँ नर्मदा की कृपा ऐसी बनी रहे और माँ नर्मदा जी सदैव मुस्कुराती रहे और हम सबके जीवन में मंगल करती रहे। और मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण पर एक बयान दिया। भोपाल में उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व उम्मीदवारों का फैसला करेगा। टिकट वितरण को लेकर दिल्ली हाईकमान तय करेगा कि कौन कहां से चुनाव आखिर लड़ने वाला है। ये केंद्रीय नेतृत्व के हवाले किया जाता है। टिकट वितरण में क्या होगा, हो सकता है कि एक बार फिर से चौंकने का मौका आपको मिले। इस सवाल पर जैसे ही वीडी शर्मा की तरफ से प्रतिक्रिया देखी गई तो वो कुछ भी हो सकता है ये कहते हुए दिखाई दिए। प्रमुख कार्यकर्ताओं को इस राष्ट्रीय अधिवेशन में संबोधित करेंगे और साथ ही समापन सत्र होगा राष्ट्रीय अधिवेशन का, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन का पंजीकरण कल दोपहर से 17 फरवरी से 11 बजे से शुरू होगा। 3 बजे उद्घाटन सत्र होगा। राष्ट्रीय अधिवेशन 18 फरवरी 2024 को दोपहर 2 बजे तक माननीय प्रधानमंत्री जी के समापन संबोधन के साथ समाप्त होगा। और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को राज्यसभा प्रत्याशी ना बनाए जाने को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहा है। बीजेपी के विधायक आशीष शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस का आलाकमान कमलनाथ से किनारा कर रहा है। एमपी कांग्रेस में अब कमलनाथ युग का समापन हो चुका है। कमलनाथ को पहले प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया, अब उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा जा रहा है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत का भी पलटवार। उन्होंने कहा कि बीजेपी के आरोप बेबुनियाद हैं। कमलनाथ दिग्विजय सिंह सहित मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता के आग्रह पर ही अशोक सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था। लगता है मध्य प्रदेश कांग्रेस से कमलनाथ युग का समापन हो चुका है और इसलिए कांग्रेस ने उनके नाम पर विचार नहीं किया होगा। पहले ही उनके हाथ से प्रदेश अध्यक्ष की कमान ली जा चुकी है। की कोई बात नहीं है, कमलनाथ जी के ही प्रस्ताव पर उनको राज्यसभा टिकट मिला है। और मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक विक्रांत भूरिया ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिना जानकारी दिए देर रात उन्हें जेल से छोड़ दिया गया, मना करने के बावजूद देर रात को जबरन बाहर निकाल दिया। मेरे परिवार को इसकी सूचना नहीं दी गई, ऐसे में मुझ पर रात में कोई भी हमला कर सकता था। इसके साथ ही पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर भी सवाल उठाए। कहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इसकी। और एक बार फिर ऐसी स्थिति कि पन्ना राज परिवार का विवाद थाने पहुंचा है। राजमाता जीतेश्वरी ने ननद कृष्णा कुमारी से जान का खतरा बताया। नौकरों को हत्या के लिए कमरे में भेजने के आरोप इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। राजमाता ने पन्ना थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। राजकुमारी कृष्णा ने राजमाता को झूठा बताया। पन्ना कोतवाली पुलिस अब मामले की जांच कर रही है कि आखिर तथ्य क्या कहते हैं, पता लगाने का प्रयास।
के आसपास मेरे जो दरवाजे हैं उनको बड़बड़ाने की आवाज़ आई, जैसे कोई बैंग कर रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से, और आवाज़ें दे रहे थे कि बाहर आओ बाहर आओ। तो मैंने जाके पूछा कि भाई कौन है, तो वो कहने लगे कि हम अगर आप कृष्णा कुमारी से पंगा लेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, जान से मार डालेंगे। फिर हमने पुलिस में कंप्लेन दिए। वैसे तो अधिकांश मामले में पुलिस बिगर जांच के ही एफआईआर कर देती है, कम से कम हमारे मामले में जांच कर